वॉश वगैरह करके आ गई हूँ। हाय बाबा। हाय मोटे मोटा 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 ये आज कॉलेज गया था, बस नहीं बन रहे अभी कुछ। मम्मी मेरे लिए हलवा बना रही है। नहीं मैं आपके लड्डू गोपाल के लिए बना। इचरों की तू जैसे खाएगा नहीं है ना, बाइसेप में लगेगा। बाइसेप में नहीं, पेट में लगेगा ये सीधा। है प्रोटीन थोड़ी है। अच्छा ये तो फोल्डर है, यही फोल्डर। मम्मी अब मेरे लिए हलवा बना रहे हो? नहीं मैं लड्डू गोपाल के लिए बना। तो हम नहीं खा सकते क्या? शेयर नहीं कर सकते लड्डू गोपाल से? चुप रहे ना, आपको तो पता होना है। अरे चुप रहे, अपना कहा बता दूंगा। क्या क्या बात बता दूंगा? तो मम्मी थोड़ा तो खा सकते हैं। मम्मा ने बनाया है मटर, क्या राजमा चावल। मम्मी ने बनाया शिमला मिर्च पनीर, क्या है पनीर शिमला मिर्च, कढ़ाई पनीर, सॉरी कढ़ाई पनीर बनाई है। मैं इसको छेड़ने आ गई हूँ। मम्मा 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 को भी छेड़ने आ गई हूँ बिना एपे को। क्या करूँ अब मैं? मम्मी कुछ हेल्प। आज मैं रोटी बना देती हूँ आप लोगों के लिए, आप चिल करो। हर्ष को कच्ची रोटी खिला दूंगी बस, आप लोगों को पकी हुई बताओ। पता नहीं को मन खाना जिस दिन खिलाएगी उस दिन तो मैं तो आज खिला देती हूँ ना, रोटी बना दोगे। चलो एक दिन फिर सब्जी भी गाइस जल्दी, मैं फिर पूरा एक मेन कोर्स बनाऊंगी पक्का। वो दिन कब आएगा ये दिन? वो दिन जल्दी आएगा बस, देखना वो दिन कब आएगा। बस जिस दिन मैं जल्दी उठ जाऊंगी तो मैं बना दूंगी पक्का। नहीं लगता वो दिन कभी आएगा। नो 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 लाइफ में नो नो नो, यहाँ हलवा बनने स्टार्ट हो गया है। मम्मी ने, मम्मा मैं नहाने जा रही, ठीक है फिर ओके। तो मैं क्या करूँ अब? मम्मी अब कितनी क्यूटली बात करती है मेरे से, वरना मेरे से बात ही नहीं कर रही थी। ब्लॉग के मेरे लाइफ में बहुत फायदे हुए गाइस, मैं बता रही हूँ कि मम्मी मान जाती है ऐसे। नहीं मैं छोड़ू क्या बोल रही हूँ, तो वैसे कभी नहीं कहती मैं क्या। नहीं वैसे नहीं, वैसे भी थोड़ी जरा बोलो मत कर रही हूँ। ओके ओके मम्मा ये देर हो रही है, बट मैं अभी गाइस नहा के आती हूँ। मैं बस फेस वॉश और ब्रश वगैरह करके आई हुई हूँ, तो वो सब तो कर लिया। बस मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, जल्दी से मस्त नहा के आते फिर आपसे मिलते हैं। एक और अपडेट देती हूँ, रुको। ये देख रहे हो ये मम्मी जी आजकल रेसिपीज देख के बनाने लगी है एंड फिर कबाड़ा कर देती हैं। अच्छा नहीं बनता जब भी आप जब भी मम्मी ने एक बार शाही पनीर बनाया था, शायद कुछ बनाया था हमने एक दो बार। मम्मी ने एक रेसिपी ऐसे देखी अपनी जो अच्छी खासी इतनी टेस्टी सब्जी आती है, मुझे बस थोड़ा पीछे का लास्ट में। कोई नहीं मैं बता रही हूँ बस गाइस को, इतनी टेस्टी खाना बनाती है मम्मी। और फिर रेसिपी एक दो बार ही देख के ना जो कबाड़ा हुआ है वो सब्जी अच्छी नहीं बनती, आपको भी पता है ना। हाँ बोलो, आपको भी पता ही ये चीज़ की आप रेसिपी देख के कबाड़ा करते हो। आओ कभी घर आना, मैं इनवाइट करूंगी मम्मी का घर का खाना खा के देखो भाई। फैन ही हो मम्मी को बनाना है क्या? खुद बनाना तो वो इनवाइट नहीं करेगी। अगर आपके हाथ का नहीं खिलाना होता तो फिर इनवाइट क्यों करूंगी मैं? मैं तो बाहर भी खिला दूंगी। थोड़ा ये है कभी मुझसे मिस्टेक ना हो जाए, बहुत दिन के बाद बना रही है। हलवा कौन सा हलवा बना रहे? मूंग दाल का हलवा बन रहा है, मुझे लगा नॉर्मल बेसन उसका बन रहा है। उसको मैं क्या देखूं? हाँ वही डेली का काम होता है। चलो जी अब मूंग दाल का हलवा बन रहा है, लड्डू गोपाल की ऐसी ट्रीट है पूरी मूंग दाल का हलवा। हम भी साथ में थोड़ा सा शेयर कर लेंगे लड्डू गोपाल, ठीक है मम्मा? ओके अब मैं बकवास भी ना करे नहाने जा रही हूं। ओके खाना डाल लिया है, लंच इज ऑल सर्व्ड, कढ़ाई पनीर, मम्मी का मस्त मस्त टेस्टी टेस्टी मूंग दाल का हलवा विद ड्राई फ्रूट्स एंड रोटी। चलो खाना खाएं। खाओ और लेट जाओ है ना, प्यास हो गया। मम्मी भी ऑलमोस्ट अभी चित होने वाली हैं, बस दो सेकंड में अभी टर्न, अभी नहीं सो गए तो अभी सोने तो वाले हो। अपनी पोजीशन में आ गए हर्ष, अपने पोजीशन पर आ गया, बट फिर भी सोने का टाइम हो गया। अब यहाँ पर मैं लेट जाऊँगी, हम सोएंगे नहीं, मतलब मेरा भरोसा नहीं है, मेरे को नींद आ जाती है बीच में। बट खाना वाना खा लिया, अब सोने का टाइम आ गया है। सीटें हमारी फिक्स हो चुकी है थोड़े दिन से। हाय गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो? शाम हो गई है एंड मैं जस्ट नींद से उठ के आई हूँ, मेरी आँखों से आपको पता चल रहा होगा। एंड मेरे को इधर देखना स्टार्ट करना है, इधर क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करने लगी हूँ कभी कभार, और मैं चाचा भी करके देखती हूँ तो मैं अजीब सी लगती हूँ फ्रंट कैमरा से। आई डोंट नो मैं कैसी लगती हूँ, मैं पीछे से भी ऐसी लगती हूँ, आगे से भी ऐसी लगती हूँ। तो खाना खाया था मैंने, आपको बताया, सोने जा रहे हैं।
उसके बाद मैं बीच में बैठी, मैं नहीं सो रही थी आजकल बिल्कुल भी। फिर साइड में हर्ष सो गया, इस साइड मम्मी सो गई, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई दोनों की नींद से कि मेरे को भी नींद आने लगी। मैं 2 घंटा प्रॉपर सोई हूँ। उकरा खाली करना है, चाय बनानी है, अपनी कॉफ़ी बनानी है। आज कॉफ़ी पीनी पड़ेगी क्योंकि हालत ख़राब हो जाएगी। जिम में अगर मैंने कॉफ़ी नहीं पी क्योंकि मैं अभी भी नींद में हूँ। आके मेरी इतनी छोटी हो जाती है, जब वैसे ही छोटी है, मैं इधर देख रही हूँ अपने आपको भी वैसे ही छोटी है, बट और छोटी हो जाती है। तो मम्मी आ रही देख। हेलो हेलो मम्मी, तो कुछ नहीं कर रही है, मम्मी आ रही है, बना रही हूँ यार। मैं आलस में हूँ अभी थोड़ा सा। आलस में आप टाइम तो देखो, जब मैं काम करती हूँ क्योंकि अब जिम के लिए मैं लेट जाऊंगी। मेरी नींद आ रही है बहुत ज्यादा मम्मा। सो जाओ, आप जाती हूँ करो। चाहती नहीं मैं जिम जाऊँ, कोई नहीं चाहता मेरे घर में मैं जिम जाऊँ। पर नींद आ रही है तो और हम क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे ना सो जाओ। आप रहने दो, रात को कपड़ा लगाओ। यार मेरे पास आजकल टाइम नहीं होता यार। फिर कॉफी पीने का भी मन कर रहा होता, फिर चाय बीच में आ जाती, फिर टोकरा बीच में, 50 चीजें बीच में आ जाती है। तो कभी कभार मैं अपनी कॉफी भी कॉम्प्रोमाइज कर देती हूँ। मैं नहीं पीती आपके लिए कॉफी कभी कभार। और ये चंगू मुंगू निकल रहा है मेरे को यार, यहाँ पर एक नया निकल रहा है। अब मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। अभी दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो मैं इसलिए अपॉइंटमेंट लेके ये दिखाने जाऊँगी थोड़ा सा। चलो कॉफ़ी बनाते हैं, बकवास बाद में। टी इज़ ऑलरेडी मैंने बना लिया, बट आज ऐसा लग रहा है दूध वाली बनी है प्रॉपर, क्योंकि मैंने एक ही पैकेट डाला है आज कॉफ़ी का। बट कोई नहीं, ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, बट चाहिए भी थी थोड़ी कॉफ़ी। एंड मैंने एक ब्रेड टोस्ट करा था, बिल्कुल जल चुका है, बट ये भी हम खाएंगे क्योंकि अब कर लिया है तो खाएंगे, वेस्ट नहीं करना। तो मैं कॉफ़ी और ब्रेड इन्जॉय करती हूँ और फिर हम जिम चलेंगे। मम्मी को बातें बता रही हूँ सारी। मम्मी चीला बना रही है मेरे और हर्ष के लिए। मम्मी फिर से पसीना पसीना हो गए वर्कआउट करने के बाद, पसीना पसीना के बाद नहा भी ले, डबल नहा लिया, फिर भी पसीना पसीना हो गए। मैं भी बहुत पसीना पसीना हो गई हूँ आज मैंने करा। हाँ, जो मैं जिम की क्लिप डाली है ना, तो उसमें अगर आवाज़ ना आ रही हो, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज आते बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स ही बोलते हैं या समझो, तो वो करे और उनमें जो मेरी वाट लगी है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बात करे और उसमें हालत ऐसे पैर कांप रहे थे भाई। फर्स्ट एक्सरसाइज ही मैंने इतनी कर ली, मैं बैठ गई थी थोड़ा। हर सेट के बाद मेरे को 2 सेकंड का ब्रेक, बंद आधे आधे मिनट का तो पक्का मैंने सेट्स के बीच में ब्रेक लिया, रेप्स हाँ सेट्स के बीच में ब्रेक लिया। हालत टाइट हो गया, लेग्स मारे, प्रॉपर लेग्स मारे, शोल्डर्स नहीं मारे मैंने आज। लेग एक्सटेंशन करी, फिर लेग एक्सटेंशन वाला हैमस्ट्रिंग वाला वो एक्सटेंशन होता है जो भी होता है वो करा, फिर हिप थ्रस्ट करा, फिर आरडीएल करा, फिर काफ्स की करी, पता नहीं 6 एक्सरसाइज करी। अभी शायद मैं एक दो और भूल रही हूँ, बट मैं बहुत अच्छा वर्कआउट करा आज, पैर से कांप रहे लेकिन चलते हुए भी पता चल रहा है कि हाँ ठीक है भाई, लेग्स की वर्कआउट कर रहा है, मैं खुश हूँ। कल वाला सीन में मम्मी को भी बता रही थी, तो मैं आपको मैंने सोचा व्लॉग भी कर लेती हूँ, आप भी सुन लेना, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बातें नहीं कर रही आपसे, समझ रहे हो आप, मैं कम बातें कर रही हूँ आजकल, जो कि मम्मी चाहती नहीं मैं बातें करूँ। बताने के लिए भी नहीं होती मम्मी कुछ यार, ऐसे नहीं बोल सकते आप। ऐसा लग रहा है पानी से अभी मूड होया है, इतना पसीना पसीना हो गया हूँ। कल क्या हुआ, मैं व्लॉग अपलोड कर दिया, फिर पता नहीं क्या कर रही थी मैं, ऐसे मैं बाल ठीक करने के लिए हाथ ऐसे ला रही थी और एकदम से उंगली मेरी आँख में लगी और भाई ब्लैंक ब्लैक और ब्लैंक हो गया सारा। मैं 2 मिनट के लिए आंखें बंद रखी, मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी कि यार मम्मी पता क्या लग रहा था, आंखें खोलूं या नहीं खोलूं, कभी ब्लैक ब्लैक दिखे एक आंख से, मेरे को इतना घबराहट हो गई, मतलब इतना नर्वस हो गई। तो मैं 2-3 मिनट ऐसे आंख बंद ही रखी, फिर मैंने धीरे 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 खोली, फिर थोड़ी तसल्ली मिली जब दिख रहा था मेरे को। और सोंगी मम्मा पापा के साथ क्योंकि मेरा स्केड्यूल नहीं बन पा रहा भाई, और जगह रहता है फिर वो पबजी खेलता ही खेलता है, ठीक है, तो पबजी खेलता ही है ना, तो वो जगता ही है, तो फिर मुझे लगता है कि यार मैं क्यों सो, फिर मैं भी जगी रहती हूँ।
इसे हिसाब से लेट होते होते बहुत लेट हो जाता है। चिड़िया चिड़ी करी थी तब सोई हूँ मैं, सुबह आई थी। देखो मैं सुबह का मौसम मिस कर रही हूँ यार, वो मैं वो हम कर देंगे। कल बारिश हुई थी सुबह, शिट यार मैं बारिश सुबह वाली बात, मेरे को बहुत मौसम पसंद है और मैं वो मम मिस करती हूँ ना, तब मेरे को बुरा लगता है कि मैं लेट क्यों उठती हूँ। सोच रही हूँ प्रोटीन ले लूँ, क्योंकि आजकल मैं प्रोटीन नहीं ले रही थी, बट आज मैं अच्छा खासा वर्कआउट होकर आई हूँ तो मेरी बॉडी प्रोटीन मांग रही है ऑब्वियसली, तो हम प्रोटीन ले लेते हैं। व्लॉग एडिट करने के चक्कर में मैं भूल गई थी, मैं प्रोटीन शेक लाई थी एंड मम्मा जब चीला लेके आई है तब मुझे याद आया, अब मैंने प्रोटीन शेक पी लिया है एंड अब चीला खाएंगे। वेरी टेस्टी चीला, मम्मा बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। तो ये आज का हमारा डिनर है, तो ये करते हैं गाइस। मम्मी पापा को डिस्टर्ब करते हुए ये बंदा देखो, ज़्यादा तो नहीं तू सुन लिया मैंने, जा ही लो उनके पास ही, अब मम्मी पापा के पास चलते थोड़ा चिंगी चिंगी करना। नहीं कौन सा दूध, थैली में मैंने कॉफ़ी के टाइम डाला था, ये लो पापा थैली के टाइम कह रहे, कॉफ़ी के टाइम मैंने दूध डाला था पर मैंने नहीं फैलाया, मैंने नहीं फैलाया, मैंने डाल के रख दिया था। हाँ तो फैलाया कहाँ से, गलत आरोप मत लगाओ मेरे पे, मैंने बस डाल के वो रख दिया था वापस वहीं पर, ये इसी ने गिराया उस वो डालते हुए। रहन दे तू बहुत ज़्यादा से सिमटा हुआ है, काम करता है। मम्मा क्यों नहीं, मेरे को वहाँ शिफ्ट करने के लिए आई है मम्मी, टाइम से सोना टाइम से उठना। मैं अपने रूम में आ गई थी थोड़ी देर चिल करने के लिए, बट अब मेरे को लग रहा है तो वहीं सोना पड़ेगा क्योंकि शेड्यूल बनाना है ना मम्मी, तो अभी मैं ऊपर जाके गद्दा वद्दा लाती हूँ फिर वहाँ बिछाऊंगी मस्त, पर्स रूंगी फिर वहीं सोया करूँगी। अब से मतलब इतने बड़े हो के ये सब हरकतें करनी पड़ती है क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अगर हम ये हरकतें नहीं करते, हमें मम्मी पापा के साथ ही सोना पड़ेगा, छोटे बच्चे बन के रहना पड़ेगा, छोटे बच्चे बन के रहना पड़ेगा। मतलब एक लेग्स मार रहे हैं आज गाइस, खड़े होने बैठने में, अगर आप जिम करते हो तो आपको वो दुख पता होगा लेग्स मारने वाला, नींद पूरी करने के लिए दिन में नींद पूरी चाहिए होती है, रात को जगना पूरा होता है। हाँ तभी तो मेरे को नींद रात में पूरी चाहिए, तो इसलिए मैं अब ऊपर से गद्दा वद्दा लाती हूँ क्योंकि कह रही हूँ हमारे बस की नहीं है, छोड़ दिया मैंने अपने बस की, मैं मम्मी पापा पे छोड़ रखा है। हर्ष इतना अच्छा लगता है आपको लेके आएगा मेरे लिए, समझ गया मैं वर्कआउट करके आई हूँ इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा ताकि जब भी मैं आजू बाजू जाए सबको पता चले मैं वर्कआउट करा, जस्ट कहेंगे अब चेंज करके सोंगी। गदा ले आई, टास्क था स्टेज से ऊपर जाना क्योंकि लेग दर्द हो रहे थे, थोड़े बहुत वीडियोज देखी होंगे फिर आधे घंटे बाद जाऊंगी। सुन लिया आई बस एक दो वीडियो देख के, क्या अरे एक दो वीडियो देख के आ रही हूँ। यस 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 लेके जाने के लिए मम्मी बैठी है यहाँ पर, चले 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 चले, ये पबजी खेलने लग गया है, इसके पास तो कोई काम नहीं है, ये आने वाला है 1 बजे। मम्मी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, 2 बजे भी हो सकता है। हाँ और ऊपर से महान मम्मी एंड महान पापा, ठीक है मैं बिस्तर लेके आई अपने लिए खुद नीचे सोने के लिए गद्दा, ठीक है कि मैं सोऊंगी नीचे, सो गए पापा उस पर, अंका चलो ठीक है गद्दा है कंफर्टेबल है कि सो गए नीचे, वो बिछाया हुआ है बस पतला सा, एक और फोल्डिंग नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, पहले फोल्डिंग लाते थे और एक गद्दा बिछता था, फोल्डिंग नहीं एक चादर बिछा के मम्मी सो रही है उस पर, चादर ही है गद्दा इतना सा भी नहीं है गाइस, वो गद्दा इतना भी मोटा ब्लैंकेट नहीं है, वो बकवास। और वहां जाके पापा गद्दे पे सो रहे हैं, मम्मी उसमें देख के आई, अभी मम्मी नीचे सोने का जुगाड़ करके हुए हमारे लिए बेड छोड़ दिया, मतलब इतना गुस्सा है ना मेरे को कि बेड पे तो हम यहाँ भी सो रहे हैं वहां जाके सोने का क्या फायदा। बस मैं यूं कहती हूं हम तीनों बेड पे सो जाते हैं, आपके पापा 3 बजे उठेंगे ना तो मैं शिफ्ट उधर हो जाऊंगी, तो फिर खुले सो जाएंगे, तो फिर नीचे क्यों बिछाया इसने बोला, तो फिर मैंने कहा चल इस पे सो के देख लेते हैं। तो ये 2 बजे आने, मैं बता रही हूँ आपको ये 2 बजे से पहले नहीं आने वाला, और मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा ना कि मैं अपने लिए बिस्तर लेके आई थी खुद बैठ गए
खुद नीचे सो रहे, हमें नवाबों की तरह ऊपर सला दे, क्योंकि तुम लेट सो गए तो समेट रहे, काम वाली आंटी आएगी तो लेट उठोगे तो काम वाली आंटी के टाइम पे नहीं उठाओगे बिस्तर बिस्तर, तो तुम बैठ भाई यहाँ भी तो बेड पे सो रहे ना, वहाँ भी बेड पे सोएंगे कोई फायदा है? मेरे को बहुत गुस्सा है मम्मी आप पे। जल्दी बंदा सो के उठ सकता है ना, ऊपर ही उठेगा बस बेड पे। पहले दिन नहीं पाओगे ना। अच्छा पिछली तो गर्मी गद्दे पे सोई, इतना मजा आता है गद्दे पे सोने में, अपना फोन वोन भी चलाना पता भी नहीं चलता क्योंकि कोने में हो जाता है। और अब बेड पे नहीं, ये फायदा नहीं है, ये वन ऑफ द रीजन है, बट स्टिल मतलब मेरे को बहुत गुस्सा है, खुद नीचे जमीनों पे सो रहे हो, हमें बेड पे इतने अच्छे काम हमने नहीं करे तो हम बेड पे सोएंगे? नहीं नहीं, आप ऊपर ही सो रहे हो। मैं भी वही जा रही हूँ, बस मम्मा और मैं जा रहे हैं वहाँ पर, चेंज वेंज कर लिया मैंने, बस मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, थोड़ी क्लिप्स पर मैं ये फ़ोन से निकाल ली थी, मम्मी बोला मैंने, मम्मी के फ़ोन से क्लिप्स निकाल के लैपटॉप में डाल रही थी। तो आज के लिए बस इतने, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कल फिर से मिलते हैं, क्या भूल गई, हाइड, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय मम्मी, गुड नाइट, इसकी तरह से भी समझ लो, इसने गुड नाइट बोल दिया, ये लो मम्मा ने भी बोल दिया उसकी तरह से, बाय, गुड नाइट।